19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने यह सम्मान लिया। इस कार्यक्रम के बाद स्मृति ने बताया कि कैसे उनकी अंशुमन सिंह से मुलाकात हुई और शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। कीर्ति चक्र लेते समय स्मृति के चेहरे पर जो भाव थे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों ने भावुक कमेंट्स किए। हालांकि अब शहीद का परिवार दूसरी खबरों से चर्चा में आ गया है। अंशुमन के माता और पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन नियम की परिभाषा तय करें। अब ये नियम होता क्या है और आखिर क्यों इसमें बदलाव करने की मांग उठाई जा रही है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसे माता पिता का नाम निकटतम रिश्तेदारों के रूप में दर्ज किया जाता है। शादी के बाद माता पिता की जगह पत्नी का नाम दर्ज हो जाता है। जवान के शहीद होने के बाद आर्थिक मदद से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं उसकी पत्नी को दी जाती हैं। इसी को NOK कहा जाता है। वहीं कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने इसी नियम में बदलाव की मांग की है। जी हां, देवरिया में अपने घर पर एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बात करते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा, NOK का जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। इस बारे में मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत करा चुका हूँ। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। बहू ने हमसे बगैर पूछे मेरे बेटे का परमानेंट पता भी बदलवा दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है? इस नियम में चेंज होना चाहिए। अगर बहू परिवार में नहीं रहेगी तो क्या होगा? बच्चे होंगे तो क्या होगा? शहीद के ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी थी, ये सब भी देखना चाहिए। मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला, मेरी पत्नी भी बहू के साथ सम्मान लेने गई, पर वो कीर्ति चक्र को छू तक नहीं पाई। 2 दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात में मैंने ये मुद्दा उठाया था। राहुल जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो राजनाथ सिंह से इस बारे में बात करेंगे और इसका कुछ हल निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, इसी तरह मां मंजू सिंह का भी कहना है। राहुल गांधी जी से बातचीत में मैंने यही कहा कि मेरे साथ तो ये घटना हो गई, पर नियमों में परिवर्तन हो ताकि आगे किसी अंशुमन सिंह के माँ बाप को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। बहुएं भाग जा रही हैं, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली है। अंशुमन के पिता का दावा है कि बेटे की 13वीं के अगले दिन ही वो अपने मायके चली गई और दोबारा लौटकर वापस नहीं आई है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।